हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मसालेदार पास्ता, जो कि मैं अपने स्टाइल में शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ ये पास्ता। और ये पास्ता खाने के बाद आप डेफिनेटली इसके फैन होने वाले हैं। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए झटपट से बनाते हैं यम्मी टेस्टी दिखने वाला पास्ता। तो सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे, जिसके लिए एक पैन में या किसी बर्तन में पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और 2 चम्मच इसमें मैं डालने वाली हूँ वेजिटेबल ऑयल, जिससे क्या होता है पास्ता जो होता है सेपरेट रहता है, आपस में चिपकता नहीं है। और जैसे ही ये पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इस तरह से ये पास्ता यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी तरह का पास्ता, किसी भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से मैक्रोनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ पास्ता। थोड़ा ध्यान से डालेंगे क्योंकि पानी काफ़ी गर्म है। और अब हमें इसे बॉयल करना है, और जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा उसके बाद इसे कम आंच पर हमें बॉयल करना है। लगभग इसे 4 से 5 मिनट लगेंगे, या आप चेक कर सकते हैं जब तक कि अच्छे से पक नहीं जाता। 90% तक हम पास्ता को पका लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें इसे अच्छे से हिला भी लेना है, वरना ये चिपक भी सकता है तले पर। तो यहाँ पर मैंने इसे हिला लिया, इसमें देखिए आप बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी कम, और कम आंच पर इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ता काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ, ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो नाइफ़ की हेल्प से इसे हम चेक कर लेंगे। तो ये बहुत इजीली कट हो रहा है। तो चलिए अब इस गैस का फ्लेम बंद करते हैं और फटाफट से हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे रनिंग पानी के नीचे, यानी ताजे पानी के नीचे इसे फटाफट से हम डालकर पानी में से निकाल लेंगे, ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो पास्ता होता है काफ़ी ज़्यादा गल जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और इसके लिए सबसे पहले हमें ले लेनी है कढ़ाई, और इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल। और तेल को हल्का गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच ले लिया है बारीक कटे हुए लहसुन का, जिससे कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। और अगर आपको इसका टेस्ट ना अच्छा लगता हो गार्लिक का, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हल्का से इसे सोटे करना है बस 30 सेकेंड के लिए। और जैसे ही हल्का सा सोटे हो जाएगा तो इसके साथ हमें डाल देने हैं 2 बारीक कटे हुए प्याज। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटने हैं, हल्के मोटे होंगे, फाइनली चॉप नहीं चाहिए। तो हल्के हल्के से हमें इसे भून लेना है लगभग 30 सेकेंड के लिए। जो भी इसे सब्जियाँ ऐड करेंगे हल्की सी हमें पकानी है, बहुत ज़्यादा पकाने की नीड नहीं है। और यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और वो नहीं खाते हरी मिर्च, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्च डाल कर भी इसे थोड़ी देर के लिए पका लिया है। अब मैं डालती हूँ इसमें बाकी सारी सब्जियाँ। यहाँ पर मैंने हरी शिमला मिर्च और बेल पेपर ले ली है, रेड येलो और गाजर ले ली है। सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे पर्सनली इस तरह से कलरफुल जो वेजिटेबल्स होती हैं ना, ये किसी भी चीज़ में डाल के खाने का बहुत ही मज़ा आता है, चाहे नूडल्स हो, पास्ता हो, राइस हो। तो आई लव द कलरफुल वेजिटेबल्स। तो अब हमें वेजिटेबल्स को हमें 1 मिनट के लिए पका लेना है, और हल्का सा इसे पकाने के बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। एक चीज़ और फ्रेंड्स, आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक और लाल मिर्च को ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। यहाँ पर मैंने ले लिया है मैगी मसाले का पाउच, और उस पाउच को मैं ऐड कर रही हूँ। नमक हमेशा इस चीज़ के अकॉर्डिंग डालना, जो भी हम इसमें सॉसेस डालेंगे या मैगी मसाला, उसमें हल्का नमक होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही नमक ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने शेजवान सॉस 2 चम्मच ऐड किया है। ये शेजवान सॉस मैंने घर पर ही रेडी की हुई है, इसकी रेसिपी भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसे भूनने के बाद मैंने यहाँ पर 2 टमाटो की प्यूरी बनाई थी, जिसे मिला लिया है। टमाटो प्यूरी डालने के बाद अब इस टमाटो को हमें टमाटर को पकाने के लिए कम आँच पर इस मसाले को रखना है लगभग 2 मिनट के लिए, क्योंकि टमाटर का कच्चापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उसे पका लेंगे। तो यहाँ 2 मिनट के बाद जो ये मसाला है, सब्जियाँ हैं, अच्छे से बनकर तैयार हैं। अब फाइनली हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता, जो कि हमने बॉयल किया था। बॉयल पास्ता को ऐड करने के बाद इन्हें हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मीडियम आंच पर पकाते हुए हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे सब्जियों के साथ, ताकि जो पास्ता है वो सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर लें।
यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे और पका लेंगे। तो पास्ता 2 मिनट के बाद बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। माउथ वाटरिंग, टेस्टी, इजी और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप चाहे तो उन्हें टिफ़िन में बना कर दीजिए, डेफिनेटली वो वेजिटेबल भी खाएंगे, पास्ता भी खाएंगे और इंजॉय भी करेंगे। तो चलिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, फीडबैक दीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।